हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद वंदना। और मैं आज आप सबके लिए एक DIY वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मैं वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाने वाली हूँ। वेस्ट कार्डबोर्ड क्या है, हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। कभी भी हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो वेस्ट कार्डबोर्ड हमारे घर में यूं ही पड़ा रहता है, तो उसे यूज़ करके क्यों ना हम एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना ले, जिससे हम अपने सामान को अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये कार्डबोर्ड लिया है, इसको बीच से मैं दो भाग में डिवाइड करूँगी और इसे काटने के लिए मैं थर्माकोल कटर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे अब बहुत ही आसानी से हमारा ये कार्डबोर्ड कट इवेनली कट हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से इवनली कट हो गया है। और फिर हम इसके में इसके जो नीचे ओपन साइड है, इसमें हम कोई भी ग्लू लगाकर और इसे आपस में स्टिक कर लेंगे, और इसे थोड़ी सी मजबूती देने के लिए हम इसमें इसे स्टिक करने के बाद इसके ऊपर से हम सेलो टेप या कोई भी मास्किंग टेप का यूज़ करके इसे स्टिक कर लेंगे। इस तरह से चौड़े टेप से स्टिक कर लेने से क्या होता है, इसमें बहुत अच्छी सी मजबूती आ जाती है, जिसकी वजह से हम उसमें कुछ हैवी सामान भी रखें तो वो नीचे से नहीं गिरेगा। और अंदर में जो हमारा थोड़ा सा बीच में गैप आ गया है, उसे भरने के लिए हम एक इसमें कार्डबोर्ड का पीस को अच्छे से स्टिक कर देंगे, जैसे मजबूती इसमें अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैं जो ये पेपर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से 5 से 10 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा, और ये 5 से 10 रुपये में ही आपका ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे मैंने इसके साइज़ से कट कर लिया है, और पहले सबसे पहले इसे अंदर से इस तरह से स्टिक करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसके बीच में इसी पेपर का एक पीस कट करके इसे स्टिक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पेपर की जगह घर में कोई भी पड़ा हुआ वेस्ट क्लॉथ जो आपके पास होगा, आप उसे भी स्टिक कर सकते हैं, उससे इसकी मजबूती और अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से अंदर स्टिक करने के बाद फिर मैं इसे बाहर से भी स्टिक कर लूँगी। बाहर से स्टिक हम बाद में करेंगे, इससे क्या होगा कि जो इसके ऊपर के हिस्से में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से दबाते हुए हम इसे स्टिक करेंगे, ताकि इसमें बीच में कोई भी एयर बबल ना हो। अगर इसमें एयर बबल रह जाएगा तो ये देखने में सुंदर भी नहीं लगेगा और जल्दी फट सकता है, क्योंकि ये पेपर का बना हुआ है। अब देखिए ये हमारा दोनों ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे इसी तरह से छोड़ रही हूँ, आप चाहें तो इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, और इसे आप चाहें तो बुक ऑर्गेनाइज़ करने में या फिर आप बच्चों के कलर्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने मेकअप प्रोडक्ट वगैरह जो हैं उसे भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपका लो बजट में भी तैयार हो जाए।